नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हिंदी इंग्लिश में। हम आ गए हैं आपके लिए आज की ताज़ा खबरें लेके, तो चलिए उन पर नज़र डालते हैं। पेटीएम अब ऑफर करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। पेटीएम ने अनाउंस किया है कि होली ओन्ड सब्सिडियरी पेटीएम मनी अब प्रोवाइड करेगा फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग FO उसके प्लेटफॉर्म पर, अलॉन्ग विद इट्स अदर ऑफरिंग लाइक स्टॉक्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ETF, IPO, NSP एंड डिजिटल गोल्ड। इस प्लेटफॉर्म ने यह सर्विस लॉन्च किया है विद द मोस्ट कम्पिटिटिव ब्रोकेज एट ₹10 फॉर ऑल FO ट्रेड्स एंड द लो प्राइसिंग इज विदाउट एनी कमिटमेंट्स और पैकेजेस और कॉन्टैक्ट्स। ये JEE स्टूडेंट्स के लिए। Amazon इंडिया ने लॉन्च की Amazon Academy। Amazon इंडिया ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ Amazon Academy स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए टू प्रिपेयर फॉर द JEE फॉर एंट्रेंस टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस। द बीटा वर्जन ऑफ Amazon Academy अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द वेब और गूगल प्ले स्टोर पर। Amazon Academy स्टूडेंट्स को ऑफर करता है अ रेंज ऑफ JEE प्रिपेटरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्पेशली क्राफ्टेड मॉक टेस्ट बाई द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ऑल द JEE स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वी होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगी। इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। लेह में द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया नुब्रा वैली में 11 जनवरी 2021 को। ये 7-day इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नुब्रा एडवेंचर क्लब विद द हेल्प ऑफ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नॉर्डन ओडसेव। 18 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द नुब्रा वैली इंक्लूडिंग 4 वुमेन ने पार्ट लिया इस आइस क्लाइंबिंग में। 3 ट्रेनर्स रिगजिन सेवांग, सेवांग नमग्याल एंड करण कौशिक ने ट्रेन किया पार्टिसिपेंट्स को। वाराणसी एक्सपोर्ट करेगा फैब्रिक्स MNCs को। वाराणसी द सिटी फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज अब एक्सपोर्ट करेगा क्वालिटी फैब्रिक टू द मल्टीनेशनल कंपनीज। द जापानीज लाइफस्टाइल रिटेलर यूनिक्लो प्लानिंग कर रहा है टू बल्क परचेज द रॉ मटेरियल फॉर इट्स क्लोथिंग फ्रॉम काशी। यूनिक्लो इस मटेरियल को प्रोसेस करेगा गुजरात के फैक्ट्री में। ये डील हेल्प करेगा वीविंग इंडस्ट्री को वाराणसी के। गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, ओडिशा गवर्नमेंट मुक्त की एग्जामिनेशन फीस को। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने मुक्त की एग्जामिनेशन फीस को फॉर मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स फॉर द ऑनगोइंग एकेडमिक सेशन। 6 लाख से अधिक स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगी इस डिसीशन से। ये डिसीशन मुक्त करेगा स्टूडेंट को फ्रॉम पेइंग देयर एग्जाम फीस एंटेल अबाउट 27 करोड़ रुपीज एट अ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। 420 रुपीज एग्जाम फीस थी पर हेड जो अब मुक्त की गई है। बांग्लादेश कंटिंजेंट पार्ट लेगी रिपब्लिक डे पर। अ 22 मेंबर स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश आर्म फोर्सेज कंटिंजेंट रवाना हुई है इंडिया के लिए टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021। ये थर्ड टाइम होगा इन इंडियाज हिस्ट्री कि कोई फॉरेन मिलिट्री कंटिंजेंट को इन्वाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल परेड इन राजपथ इन डेली। यह 2021 ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये मार्क करता है 50 ईयर्स ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। अतिथि देवो भव, आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 अप्रैल। द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्ड किया गया ऑन 12 जनवरी 2021 ऑन द सब्जेक्ट ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-2026। ये इन्फॉर्म किया गया कि द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP इफेक्ट में आएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये इन्फॉर्म किया गया द डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव विल फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द FTP। आर्मी इंडक्ट करेगा वोमेन को एज पायलट्स इन एविएशन। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया तो इंडक्ट वोमेन एज पायलट इन इट्स एविएशन विंग और फर्स्ट बैच एडमिट होगी ट्रेनिंग के लिए फ्रॉम जुलाई 2021। एज ऑफ नाउ वोमेन अलाउड है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड ग्राउंड ड्यूटीज इन द आर्मी एविएशन विंग में। 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी द इंडियन एयरफोर्स ने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो। बेटी को पढ़ाओ, उसे काम करने दो, वो उतने ही हकदार है जितने कि लड़के, तभी तो हमारा देश उन्नति करेगा। गवर्नमेंट ने प्लान किया टू मेक फ्री पावर टू फार्म सेक्टर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएटिंग मेजर्स लिए टू मेक द 9-hour सप्लाई ऑफ पावर टू द फार्म सेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एट अ परमानेंट स्कीम। स्टेट ने शुरू की इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 MW सोलर पावर प्लांट फॉर सप्लाई ऑफ फ्री पावर फॉर फार्म सेक्टर को फॉर द नेक्स्ट 30। AP गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ₹8,353.58 करोड़ ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री पावर स्कीम। टेस्ला ने ऑफिशियली एंटर किया इंडियन मार्केट।
टेस्ला स्टार्ट करेगा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु में। उसने रजिस्टर किया एट द रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ ऑन 8 जनवरी 2021। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया बेंगलुरु में उनके मेन ऑफिस के साथ एट लवेली रोड। वैभव तनेजा, वेंकटरंगम श्रीरम एंड डेविड जॉन फिनस्टन लिस्टेड हुए एज द डायरेक्टर्स ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। तो आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।